यदि आप HRMS ID भूल गए हैं और उसका पासवर्ड भी भूल गए हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे HRMS ID आप प्राप्त करेंगे, उसके लिए क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी और फिर कैसे आपको पासवर्ड मिलेंगे। तो सबसे पहले आप HRMS ID के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और इसे डेस्कटॉप वर्जन में खोलना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, लॉगिन करने से पहले यूजर नेम आपको पता नहीं होगा, अगर पासवर्ड पता नहीं है तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तो यहाँ नीड हेल्प फॉर लॉगिन कर पर टच करना होगा। तो इस पर टच करने के बाद आपको एक यहाँ पे पॉपअप विंडो खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको आईपास आईडी या HRMS आईडी डालना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज़। तो HRMS आईडी आपको पता नहीं है तो आपको कैसे HRMS आईडी मिलेगा ये आप देखते जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर आईपास या HRMS आईडी एंड क्लिक ऑन गो बटन। तो आईपास आईडी क्या होता है? जो आपकी एम्प्लॉयमेंट आईडी होती है या फिर पीएफ नंबर जो होता है, वो आपकी आईपास आईडी होती है। तो उसे हम यहाँ पर डालेंगे। जिसे मैं यहाँ पर डाल दिया, अब देखिए यहाँ पर खुलकर आ गया है कि HRMS आईडी क्या क्या होता है। ठीक है, तो HRMS आईडी यहाँ पर खुलकर आ गया है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, पहला यही आपका लॉगिन आईडी भी होता है, यही यूजर नेम भी होता है और बाकी एम्प्लॉयमेंट के डिटेल जो होता है वो खुलकर यहाँ पर आया है। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे या फिर आप नोट कर लेंगे HRMS आईडी और इसे क्लोज बटन पर टच कर देंगे। अब रही बात पासवर्ड की, HRMS आईडी तो आपको मिल गई, अब पासवर्ड आपको कैसे मिलेगी? उसके लिए आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है, इस पर टच करना पड़ेगा। यहाँ टच करते के साथ आपको एक पॉपअप विंडो इस तरह से खुल कर आएगा। यहाँ पर HRMS एम्प्लॉयमेंट आईडी डालना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर HRMS आईडी डाल देता हूँ। HRMS आईडी डालने के बाद यहाँ पर सेंड OTP पर टच करना पड़ेगा। सेंड OTP पर टच करने के बाद यहाँ पर OTP हमारे नंबर पर आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 नंबर का OTP नंबर आपके मोबाइल पर पहुँचेगा और उस OTP नंबर को आपको यहाँ पर दर्ज करना है और पासवर्ड रिसेट बटन पर टच करना हो। OTP डालने के बाद यहाँ पर पासवर्ड रिसेट पर टच करना होगा। पासवर्ड रिसेट होने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर आपको ऐसा पासवर्ड बनाना होगा जो कि एकदम यूनिक टाइप में हो, मतलब कम से कम 8 अक्षर का हो ये, और 8 अक्षर से आप लेकर 15 अक्षर तक का इसका पासवर्ड बना सकते हैं। और इसमें स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @$#, ये सब यूज कर सकते हैं आप। और अपर लोअर केस में लिखना ज़रूरी है कोई अक्षर, और एक डिजिट नंबर भी लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड अपना बना लेता हूँ। ऊपर वाले में पासवर्ड डालने के बाद, न्यू पासवर्ड डालने के बाद फिर इसे कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद पासवर्ड चेंज पे टच करना होगा। फिर जैसे ही आप पासवर्ड चेंज पे टच करेंगे, आपका ये मैसेज आ जाएगा कि पासवर्ड हैज़ बीन रिसेट सक्सेसफुली, और अब लॉगिन करके आपको देखना होगा। तो यहाँ पर नीचे क्लिक हियर टू लॉगिन पेज पर जाएंगे और वहाँ पर आपको अपना HRMS आईडी और पासवर्ड डालकर सिंपली लॉगिन करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं, लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद सीधे आपको कुछ देखने को मिलेगा इस तरह का, और यहाँ पर मोबाइल में OTP आएगा और ये OTP नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, और डालने के बाद वेरीफाई OTP करना होगा, फिर आप HRMS की साइट पर पहुँच जाएंगे। वेरीफाई OTP पर टच करेंगे पासवर्ड OTP डालने के बाद, अब यहाँ पर डिटेल आपका खुलकर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि HRMS आईडी आपकी बन गई है, उसका पासवर्ड भी बन गया है, और अब लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आप
बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पास देख सकते हैं कि आपकी पास बनी है या नहीं बनी है, या फिर कितना पास यूज हो चुका है। तो इन सभी ऑप्शन में आप जाएंगे और वहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हर चीज़ के लिए एक अलग अलग वीडियो में बना कर आपको डाल दूँगा, ताकि आपको कोई भी आगे परेशानी नहीं होगी।